Assalamualaikum students, hope you will be doing well. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एंटीऑक्सीडेंट्स. एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं या एंटीऑक्सीडेंट्स कंपाउंड्स हैं दैट इनहिबिट ऑक्सीडेशन, अ केमिकल रिएक्शन दैट कैन प्रोड्यूस फ्री रेडिकल्स. अब ये इनहिबिट करते हैं ऑक्सीडेशन को, जो कि हमारी बॉडी में हर वक्त हो सकती है, उसके लिए एनवायरनमेंट मौजूद है, उसको इनहिबिट करते हैं. अब ये ऑक्सीडेशन क्या कॉज कर सकती है? ऑटो ऑक्सीडेशन लीड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग लिविंग मैटर. ऑटो ऑक्सीडेशन जो बॉडी में, यानी कि ऑटो मीन्स के खुद ही से हो सकती है, उसके लिए एनवायरनमेंट मौजूद है, वो क्या कर सकती है? डीजनरेट कर सकती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, जिसमें हमारे लिविंग मैटर भी आ जाता है. इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? वाइटामिन सी इज़ अ वेरी गुड एंटी ऑक्सीडेंट. वाइटामिन ई है, बीटा कैरोटीन है, कैरोटीनॉइड्स हैं, ये सारे क्या हैं? ये बहुत अच्छे एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं. इसमें नेचुरली अक्रिंग यानी फूड के तौर पर हमारे पास कौन कौन से एंटी ऑक्सीडेंट प्रेजेंट हैं? ब्रोकली, स्पिनच, कैरेट्स आर रिच इन कैरोटीन्स, कैरोटीनॉइड्स, पोटैटोज. सो ये सारे क्या हैं? ये रिच इन एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं, लाइक हाई एंटी ऑक्सीडेंट इनकी वैल्यूज़ हैं. अब अगर आ जाते हैं हम, इनकी टाइप्स कितनी हैं एंटी ऑक्सीडेंट्स की? सो एंटी ऑक्सीडेंट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स. एंटी ऑक्सीडेंट्स एंजाइम्स हो सकते हैं. एंजाइम्स का क्या है? ये एंटी ऑक्सीडेंट एंजाइम्स जो हैं आर सिंथेसाइज नेचुरली इन आर बॉडी, और ये क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं कि ऑक्सीडेशन ना हो, रेडिकल्स ना बने, और डिजेनरेशन ऑफ लिविंग सेल्स ना हो. इसमें एग्जांपल हैं सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज एंड कैटालेसिस एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स. अब विटामिन्स जो हैं वो हमें बहुत माइन्यूट अमाउंट्स में चाहिए होते हैं, बट ये बॉडी नेचुरली सिंथेसाइज नहीं कर सकती. एंड दिस इज विटामिन ए, ई, सी, फॉलिक एसिड, बीटा कैरोटीन. देन कम्स द एंटीऑक्सीडेंट फाइटोकेमिकल्स. सो फाइटोकेमिकल्स ये क्या हैं? ये प्लांट्स जो हैं वो नेचुरली अपनी हिफाजत के लिए, कि ऑक्सीडेशन ना हो उनमें, प्रोड्यूस करते हैं अपने अंदर. और ये कौन कौन से हो सकते हैं? फ्लेवोनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स, पॉलीफिनॉल्स. यानी ये प्लांट्स अपने लिए, यानी उन्हें भी ऑक्सीडेशन से महफूज रखते हैं, और जाहिर बात है जब उन प्लांट्स को हम कंज्यूम करेंगे तो डेफिनेटली दे विल वर्क एज एंटी ऑक्सीडेंट्स फॉर अस. नाउ हाउ एन एंटी ऑक्सीडेंट वर्क? बेसिकली हमारी बॉडी में कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और एक फ्री रेडिकल क्रिएट कर देता है. अब वो फ्री रेडिकल जो है दैट इज़ वेरी हैज़ अ वेरी डिटेरियोरेटिंग इफेक्ट. कैसे? अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो मॉलिक्यूल है, जो रेडिकल तो जनरेट हो गया, बट जो मॉलिक्यूल है ना वो आपके लिविंग सेल से मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को बोरो करने लगता है. अब वो मॉलिक्यूल जब एक मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन बोरो करेगा तो वो नेक्स्ट मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन बोरो करेगा, और इस तरह एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है स्टीलिंग मॉलिक्यूल्स का, जो एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टील कर रहे हैं, और फ्री रेडिकल्स इसके साथ साथ प्रोड्यूस होते जा रहे हैं. तो सेल जो है वो ऑटोमेटिकली इरोड करना स्टार्ट हो जाता है, स्टेबल नहीं रहती उसकी बाउंड्रीज. इफ़ एंटी ऑक्सीडेंट इज प्रेजेंट, अगर एंटीऑक्सीडेंट जो है वो मौजूद है आपकी बॉडी में, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा विल बी डोनेटेड बाय एंटीऑक्सीडेंट, और वो चेन रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस ही नहीं होंगे. यानी दैट मॉलिक्यूल्स विच लॉस्ट इन इलेक्ट्रॉन, जिसने इलेक्ट्रॉन खो दिया था, फ्री रेडिकल जो है वो जनरेट हो गया था, उसको इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड कर देता है और चेन रिएक्शन स्टॉप कर जाता है. सो डियर स्टूडेंट्स, एक एंटीऑक्सीडेंट कैसे काम करता है आप इस डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को जो हैं वो लूज़ कर रहे हैं और दूसरे सेल से बोरो कर रहे हैं, वो एक कॉज हो सकती है रेडिकल्स के प्रोड्यूस होने की. स्ट्रेस है, टॉक्सिन्स हैं, केमिकल्स हैं, रेडिएशंस हैं. और अगर आप ये देखें कि एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं विद दीज ग्रीन सर्कल्स, और रेड जो हैं दैट आर दी फ्री रेडिकल्स. सो दीज आर ऑल द सोर्सेज ऑफ फ्री रेडिकल्स. बट क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स न्यूट्रलाइज कर देते हैं उस फ्री रेडिकल को और प्रिवेंट कर देते हैं सेल डैमेज को. सो दिस इज हाउ एन एंटीऑक्सीडेंट वर्क्स. दिस वाज ऑल अबाउट एंटीऑक्सीडेंट्स. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू.